हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ आज कुछ नए किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। 10 किचन टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। गाइज, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर वीडियो पसंद आती है शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 नए किचन टिप्स एंड ट्रिक्स। पहला टिप लेमन्स को लेके है। जब भी हम लेमन स्टोर करते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए आप लीजिए थोड़ा सा फॉइल पेपर, छोटे पीसेस में कट कर लीजिए फॉइल पेपर को और एक एक लेमन इसमें रैप करके रखिए। इस तरह से आप रैप करके फ्रिज में रखेंगे तो लंबे समय तक आपके लेमन्स फ्रेश रहेंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मियों में आलू बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आप जिस भी बास्केट में से स्टोर करते हैं उसमें डाल दीजिए एक लहसुन। यहाँ पे एक छोटा लहसुन मैंने डाला है। अगर आपने 1 से 2 किलो आलू रखा है तो 2 से 3 लहसुन आप इसमें डाल दें, आपके आलू लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे और जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। तो अगर आपको भी ये कन्फ्यूज़न रहती है कि कितने लोगों के लिए कितनी दाल बनानी चाहिए, या फिर आप बिगिनर हैं आपको क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं है, तो इसके लिए छोटी सी टिप है कि जितने लोग हों उतनी मुट्ठी आप दाल चढ़ाएं। यानी कि एक पर्सन के लिए एक मुट्ठी दाल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 4 लोगों के लिए दाल बना रही हूँ तो 4 मुट्ठी दाल लूँगी और थोड़ी सी दाल आप एक्स्ट्रा ले लें ताकि कम नहीं पड़े। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी टिप है। तो लहसुन को छिलने में अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है तो ये टिप आपके लिए है। पहले सारे लहसुन की कलियां अलग कर लें और उसके बाद एक नाइफ लें, लहसुन को बीच में से कट करें इस तरीके से, और इसके बाद आप देखेंगे कि इसका छिलका बहुत अच्छे से और बहुत इजीली उतर जाता है। देखिए, एक और मैं आपको करके दिखाऊंगी। लहसुन को बीच में से आपको कट करना है इस तरीके से, और इसके बाद देखिए कितनी आसानी से इसके छिलके उतर जाते हैं, बहुत इजीली ये पील हो जाता है। हमारी अगली टिप भी बिगिनर्स टिप है। जब भी आप हरी मिर्चों को काटते हैं तो किचन नाइफ का यूज़ नहीं करें बल्कि किचन सीजर का यूज़ करें। इससे इजीली आपकी हरी मिर्चें कट जाएंगी, चाहे आपको बीच से स्लिट करनी हो, छोटे टुकड़ों में काटना हो, बड़े टुकड़ों में काटना हो, और आपके हाथों में कोई जलन भी नहीं होगी, मिर्चें लगेंगी नहीं आपके हाथ में। वरना मिर्चों के अगर बीज लग जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जलते हैं और जल्दी ठीक भी नहीं होते। आइए देखते हैं मैं अपने आटे को कैसे स्टोर करती हूँ ताकि वो जल्दी ख़राब नहीं हो, उसमें चींटियाँ नहीं लगें या कोई कीड़े नहीं पड़े। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या रखती हूँ। मैं रखती हूँ 1 तेज़पत्ता, आप चाहें तो अगर 2 या 3 रख सकते हैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर कर रहे हैं तो। इससे आपका आटा लंबे समय तक फ्रेश रहता है और आप किसी भी तरह के आटे में इसे रख सकते हैं। राइस यानी कि चावल को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए और किसी भी तरह के इंसेक्ट से बचाने के लिए मैं इसमें डालती हूँ एक छोटा सा अनियन। ये देखिए, इस तरह से इसको चावल के बीच में हम डाल देंगे और हमारा चावल बिल्कुल सही रहेगा, किसी भी तरह के कीड़े या घुन वगैरह जो लग जाता है बिल्कुल नहीं लगेगा। अनियन भी आपका ख़राब नहीं होगा अंदर, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और आपका राइस भी बिल्कुल सही रहेगा। तो जब भी हम आलू को बॉईल करते हैं या तो वो बिल्कुल फट-फट से जाते हैं, गल से जाते हैं, और या तो वो बिल्कुल कच्चे रह जाते हैं। इसके लिए आपको पहले आलू को अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद इसमें हाफ पानी डालना है। यानी कि आलू को पूरी तरह से डुबाना नहीं है, हाफ लेवल तक पानी डालना है। थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, इसे मिक्स कर लेंगे, सॉल्ट को मिक्स कर लेंगे।
याद रखें कि ज़्यादा पानी नहीं डालें, पूरा फुल पानी नहीं डालना है। जहाँ तक आलू है उसका हाफ डालना है हमें, और चार विसल तक हमें इसे बॉईल करना है, चार से ज़्यादा नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पे आप चार विसल तक करेंगे, बहुत अच्छे से आपके आलू बॉईल हो जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे। तो बारिश के मौसम में अक्सर कॉफ़ी बॉर्नविटा वगैरह सिल सा जाता है, जम जाता है। इसके लिए आप हमेशा एक सूखे स्पून से ही इसे निकालें और रखें, और किसी भी तरह का मॉइस्चर लॉक नहीं होने दें इसमें। और अगर ये बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं आपके, तो आप लें एक क्लिंग रैप इस तरीके का, बहुत ईजिली किसी भी सुपर मार्केट में शॉप में मिल जाता है। इसे आप इसे लगा के ऐसे रख दें, किसी भी तरह का एयर नहीं जा पाए अंदर, और इसके बाद इसका कैप कवर करके आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आपका कॉफ़ी पाउडर बिल्कुल सही रहेगा। तो अगर आपकी पूरियाँ भी नरम बनती हैं, क्रिस्प और करारी नहीं बनती हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम आटा ले लेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून के बराबर सूजी। और इसके बाद जैसा कि हम सब करते हैं कि थोड़ा सा मोयन डालेंगे, यानी कि ऑयल, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेंगे। आटा लग जाने के बाद ऊपर से आप इसमें थोड़ा सा घी लगा दें और इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दें ढककर 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप पूरियाँ बनाएंगे तो आपकी पूरियाँ बहुत ज़्यादा क्रिस्प और करारी बनेंगी। गाइज, ये थे मेरे आज के कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और यूज़फुल भी लगे होंगे। पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ एक बढ़िया सी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।